भाई यार एंटमैन 3 का ट्रेलर मुझे तो काफी पसंद आया। तो यार ट्रेलर का छोटा सा ब्रेकडाउन करेंगे, मार्वल के ट्रू फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट मस्त अभी फेमस हो गया है, काफी इज्जत मिल रही है उसे एंड वास का नया हेयर कट देखने मिलता है। बास्केट रॉबिन जिन्होंने उसे नौकरी से निकाला था उसे वही एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे रहे हैं। एंड यहाँ हमें स्कॉट का नया सूट देखने मिलता है जो कि ऑब्वियसली पुराने वाले से बेटर है। एंड अगले सीन में हमें कैसी को दिखाया जाता है जो कि एक अलग सा डिवाइस बनाती है क्वांटम रिलियम से कम्युनिकेट करने के लिए एंड वो इस पर काफी पहले से काम कर रही थी। एंड ये सुनते ही जेनेट कहती है कि इसे बंद करो, लेकिन तब तक काफी टाइम हो जाता है एंड सारे लोग निकल पड़ते हैं क्वांटम रिलियम के सफर पर जहां के VFX लिटरली काफी ऑसम है। एंड नेक्स्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि एक मशीन में गोले को यानी एक डिवाइस को फिट कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 10 रिंग जैसी रिंग्स को जिसका कोई रिलेशन मिस मार्वल के ब्रेसलेट से और 10 रिंग से हो सकता है। एंड यहाँ पर जो सिटी दिखाई गई है वो प्रोबेबली क्रोनोपोलिस सिटी हो सकती है जिसे कैंग ने क्रिएट किया था कॉमिक्स में। एंड फिर हमें एंटमैन उसके जायंट फॉर्म में दिखता है जहाँ पर वो कैंग के आर्मी से फाइट करेगा, पर कैंग को उसकी मदद चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में हमें काफी सारे एंटमैन दिखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बताना चाहता है कि वो उसे सच में चींटी के जैसे मसल सकता है, पर कैंग को उसकी मदद चाहिए। एंड अगले शॉट में हमें स्कॉट कैसी और वैस्प एक जगह पर खड़े दिखते और तीनों अपने क्लासिक सूट में होते हैं। और ट्रेलर के एंड में कैंग हमें उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट में फर्स्ट टाइम देखने मिलता है। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो।